नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जुगाड़ टेक के एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जियो का तरफ से आए हुए जियो सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, जियो जो अभी उनका सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने वाला है, इसके लिए यहाँ पर काम करने में यहाँ पर जियो जहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि जियो अभी किस तरीके से उनका सैटेलाइट इंटरनेट को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा आप लोगों को, इसके लिए जियो अभी क्या कुछ चीज़ें अभी किया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को हर एक डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आज का वीडियो आप लोग डेफिनेटली शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो फिर चलिए बेटा, मैं इसके आज का इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, अभी जियो जो है उनका सैटेलाइट सर्विस को यहाँ पर लॉन्च करने वाला है और इसके लिए जियो जो है ACS कंपनी के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप भी कर लिया उनका सैटेलाइट सर्विस को लॉन्च करने के लिए। जी दोस्तों ACS कंपनी, दोस्तों अगर मैं ACS कंपनी के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो ACS कंपनी एक ग्लोबली सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है जो कि ग्लोबली यहाँ पर काम करते हैं सैटेलाइट सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी जियो जो है उनका खुद का सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अभी ACS कंपनी के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया है और जियो जो ACS कंपनी के अंदर 51% का जो स्टेक जो है वो भी यहाँ पर परचेस कर लिया है और अभी 51% स्टेक जो है अभी वो यहाँ पर रिलायंस के अंदर है ACS कंपनी के अंदर और ACS कंपनी के अंदर जो ACS कंपनी का जो स्टेक है वो यहाँ पर 49%। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर जियो जो यहाँ पर पार्टनरशिप किया ACS कंपनी के साथ उनका सैटेलाइट सर्विस को यहाँ पर लॉन्च करने के लिए। दोस्तों आप लोगों को पता है कि रिलायंस जो सबसे पहले उनका 4G सर्विस को लॉन्च किया था, जिसके वजह से लोगों को यहाँ पर इंटरनेट सर्विस यूज करने का जो मजा जो है पर लोगों को यहाँ पर मिल रहा था और लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डेटा का यूज़ यहाँ पर कर पाते थे बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर रिलायंस ने उनका गीगा फाइबर जो है जो यहाँ पर वाईफाई है जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने यहाँ पर स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम था कि जो जियो का जो गीगा फाइबर है वो यहाँ पर बहुत सारे एरिया के अंदर अभी भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो गीगा फाइबर जो भी यहाँ पर फाइबर कनेक्शन होता है वो ज़्यादातर यहाँ पर सिटीज एरिया के अंदर होते हैं, लेकिन जितने भी सारे लोग यहाँ पर विलेज एरिया के अंदर रहते हैं तो उन लोगों के पास अभी एक ही ऑप्शन होता है कि यहाँ पर मोबाइल डेटा, और मोबाइल डेटा का छोड़ के यहाँ पर क्योंकि और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर गांव के अंदर जो गीगा फाइबर का जो भी यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो यहाँ पर लगाया अभी तक भी नहीं गया। बहुत सारे जगह के अंदर, बहुत सारे विलेज के अंदर अभी भी यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि यहाँ पर फाइबर केबल बिछाना अभी यहाँ पर उस जगह के अंदर पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो इसके वजह से अभी जियो ने सोल्यूशन यहाँ पर ढूंढा है और जियो जो अभी यहाँ पर सैटेलाइट सर्विस के यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों सैटेलाइट सर्विस का जो सबसे पहला जो यहाँ पर सिलसिला लाया था वो यहाँ पर स्टारलिंक कंपनी लाया था और स्टारलिंक कंपनी अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के अंदर उनका सैटेलाइट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। हालांकि यहाँ पर इंडिया के अंदर आने का बातचीत चल रहा था लेकिन अभी तक नहीं आ पाया, लेकिन एक जियो की तरफ से गुड न्यूज आया कि अभी जियो जो है उनका सैटेलाइट सर्विस को यहाँ पर लॉन्च करेगा और इसके वजह से जो भी यहाँ पर विलेज एरिया के अंदर, जो भी यहाँ पर गाँव एरिया के अंदर उनका ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है तो वहाँ पर भी सैटेलाइट सर्विस की मदद से जियो जो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको सर्विस यहाँ पर जियो जो है उनका सैटेलाइट सर्विस की मदद से यहाँ पर प्रोवाइड आपको कर पाएगा। जियो का यहाँ पर कहना है कि जियो उनका सैटेलाइट सर्विस का जो सैटेलाइट सर्विस का लॉन्च करेगा उसके द्वारा आपको अप टू 100 GBPS तक आपको स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। जी दोस्तों, आपने किसे सुना, 100 GBPS तक आपको स्पीड यहाँ पर मिल सकता है जियो का सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर। तो एक बहुत ही यहाँ पर बड़ी कदम है जियो की तरफ से कि जियो भी अभी उनका सैटेलाइट सर्विस के अंदर यहाँ पर लॉन्च करने के लिए यहाँ पर काम करने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और अभी जियो जो है ACS कंपनी के साथ यहाँ पर मिलकर अभी उनका सैटेलाइट सर्विस यहाँ पर लॉन्च करेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सैटेलाइट सर्विस किस तरीके से काम करता है कि आपको अगर आपके घर के अंदर डीटीएच कनेक्शन है टाटा स्काई का या फिर डिश टीवी का जो भी आप यहाँ पर यूज़ करते हैं या फिर आपने आस पड़ोस में देखा होगा कि आपके घर के ऊपर एक एंटीना लगा होता है और यहाँ पर जो भी कंपनी का आप यहाँ पर सर्विस यूज़ करते हैं तो वो कंपनी का सैटेलाइट से आपको यहाँ पर सर्विस मिलता है। तो उस आपके घर के ऊपर जो भी यहाँ पर एंटीना होता है उसका यहाँ पर जो भी कंपनी का आप यहाँ पर यूज़ करते हैं सर्विस, तो उस कंपनी का सैटेलाइट की तरफ से यहाँ पर डायरेक्शन करके आपके यहाँ पर सर्विस आपको मिलता है। तो सेम उसी तरीके से अभी आपको जियो के अंदर भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आपके घर के ऊपर एक यहाँ पर डिश एंटीना आपके यहाँ पर लगा दी जाएगा और उसके बाद आपके घर के अंदर आपको यहाँ पर जो सर्विस जो आपके यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस आपका लग जाएगा और आपके यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक बहुत ही यहाँ पर बढ़िया सर्विस होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे विलेज के एरिया के अंदर अभी भी इंटरनेट यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। तो अगर ये सर्विस यहाँ पर जियो जल्दी से जल्दी लॉन्च कर देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लोग जियो को ही लेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर स्टारलिंक नहीं आया और सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर यहाँ पर एयरटेल भी काम कर रहा है, एयरटेल के यहाँ पर 1 वेव के साथ यहाँ पर मिलकर काम कर रहा है। तो जियो अगर यहाँ पर सस्ते
सस्ते रेट के अंदर और सबसे पहले यहाँ पर सैटेलाइट सर्विस को लॉन्च कर देते हैं तो लोग भी यहाँ पर जल्द से जल्दी यहाँ पर सैटेलाइट सर्विस को यहाँ पर ले पाएंगे, मज़ा भी यहाँ पर ले पाएंगे। तो इस तरीके का पर जियो जो अभी काम करने वाला और बहुत ही जल्दी यहाँ पर बोल दिया जियो ने आपकी उनका जो सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने के लिए जियो जो आपके यहाँ पर काम भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और आपको बहुत ही जल्दी जियो का जो सैटेलाइट सर्विस आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपडेट जहाँ पर निकल के आया था जियो सैटेलाइट सर्विस को लेकर, जो कि मैंने सोचा आप सभी लोगों से शेयर कर दूँ। तो अभी जो फ्यूचर जो होने वाला इंटरनेट का वो अभी यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट का होने वाला है और सैटेलाइट इंटरनेट का एक भी यहाँ पर फायदा भी है कि मान लो यहाँ पर आपके एरिया के अंदर तूफान आ गया या फिर बाढ़ आ गया तब भी आपको सर्विस यहाँ पर मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फाइबर कनेक्शन के अंदर क्या होता है कुछ भी यहाँ पर तूफान वगैरह होते हैं तो फाइबर कट जाते हैं, तो इसके वजह से सर्विस भी यहाँ पर कट हो जाता है 10 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो जो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपका यहाँ पर सर्विस मिलेगा यहाँ पर लोअर ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट से आपको मिलेगा। ठीक है, हर एक कंपनी लोअर ऑर्बिट के अंदर उनका सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट के यहाँ पर भेज रहा है और हर एक कंपनी जो है इस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अभी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जियो भी काम कर रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पर जियो की तरफ से निकल के आया था जियो का सैटेलाइट सर्विस को लेकर अपडेट, जो कि मैंने आपसे लोगों से शेयर कर दूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो आप हमारे वीडियो का अभी कमेंट करके कमेंट बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको और कुछ जानना है तो भी आप हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्त के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना, जैसे कि आपका एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए, उनको भी सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाए। और हमारा चैनल अगर आप पहली बार आए, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देखे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लेना। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे देखने के लिए टेक और टेलीकॉम को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाने के लिए, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट से कमेंट करके अपना राय जरूर बताना।